हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम मनोज कुमार और दोस्तों आज बात करेंगे हम ईएसएस जॉब्स की। ईएसएस जॉब्स क्या होती हैं? सबसे पहले ये समझ लेते हैं, इंटरप्राइज शेड्यूलर सर्विसेज, मतलब कुछ एक ऐसी सर्विसेज जिनको इंटरप्राइज लेवल पे, मतलब ईआरपी के लेवल पे हम शेड्यूल कर सकें, ऐसी चीजों को बोलते हैं दोस्तों ईएसएस। पुरानी ईआरपी से मेरा मतलब हमेशा होता है R12 EBS। तो पुरानी ईआरपी में R12 EBS के अंदर अगर हमें ईएसएस जॉब बनानी हो तो उसको किससे कोरिलेट करेंगे? तो दोस्तों ईएसएस जॉब मेरी जो वहां पर कंक्रेंट प्रोग्राम होते थे, बिल्कुल उसी तरीके से यहां पर ईएसएस जॉब होती है। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है दोस्तों कि कंक्रेंट प्रोग्राम मेरे को अगर कोई रिपोर्ट बनानी होती थी या कोई प्रोसेस बनाना है या कोई इंटरफेस लिखना है, हर किसी के लिए मुझे वहां पर कंक्रेंट प्रोग्राम लिखना पड़ता था और उसको किसी भी तरीके से मैं शेड्यूल करना चाहता था तो मैं शेड्यूल कर पाता था। बट इधर क्या है, अगर एग्जांपल की बात लेट से मैं बीआई रिपोर्ट की बात लेता हूं, तो बीआई रिपोर्ट मैं बना सकता हूं, डेटा मॉडल बनाऊंगा, उसका टेम्पलेट बनाऊंगा, उस रिपोर्ट को किसी नाम से रजिस्टर करूंगा या क्रिएट करूंगा, सेव करूंगा, फिर उस रिपोर्ट को किस यूजर को देना है, किस यूजर को नहीं देना है, वो सिंपली डैशबोर्ड पे कहां लगाना है, वो सारी की सारी चीजें मैं किससे, ईएल एक्सप्रेशन से डायरेक्टली कंट्रोल कर सकता हूं। ठीक है, तो यहां पे ऐसा नहीं है कि किसी एक रिपोर्ट को आपको ईएसएस जॉब में, मतलब एक रिपोर्ट मैंने यहां पे अलग बनाई, वहां पे क्या होता था, रिपोर्ट भी मुझे ऐसे कंक्रेंट प्रोग्राम बनानी पड़ती थी, बट यहां की नहीं, ऐसा नहीं है। यहां पर रिपोर्ट आप सेपरेटली बना सकते हो, अगर वो रिपोर्ट आपको किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे शेड्यूल करनी है देन यू हैव टू रजिस्टर दैट पर्टिकुलर रिपोर्ट एज ए ईएसएस जॉब। अदरवाइज अगर वो रिपोर्ट आपको किसी यूजर को देनी है, कोई यूजर उसको चला पाए, रिपोर्ट का आउटपुट देख पाए, तो वो सारी की सारी चीजें दोस्तों डायरेक्टली मैं ईएल एक्सप्रेशन से सिंपली मैं कंट्रोल कर सकता हूं। तो यहां पे छोटा सा डिफरेंस मुझे समझ में आ गया कि किसी भी रिपोर्ट को मुझे एज ए कंक्रेंट प्रोग्राम बनाने की जरूरत तभी है जब मुझे उसे किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे शेड्यूल करना पड़े। तो जहां पे जो शेड्यूल आ रहा है कि आपको कुछ एक शेड्यूल करना है तभी आपको ईएसएस जॉब में एंटर होना है। ठीक है दोस्तों, तो ईएसएस जॉब मुझे समझ में आ गया, कोई चीज शेड्यूल करनी है किसी फ्रीक्वेंसी पे तो ईएसएस जॉब की जरूरत पड़ेगी। अब रिपोर्ट को मैं तभी शेड्यूल करूंगा जब मुझे उसका आउटपुट किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे चाहिए, अदरवाइज जितने भी प्रोसेस मैं डिजाइन करता हूं, कोई इंटरफेस लिखता हूं, चाहे वो इनबाउंड इंटरफेस हो, चाहे वो आउटबाउंड इंटरफेस हो, या कहीं से किसी तरीके का कोई प्रोसेस मैंने डिजाइन किया है, तो उन सभी चीजों से किसी फ्रीक्वेंसी पे कोई काम करवाना है, कोई टास्क लेना है, कोई आउटपुट आना है, या किसी एक कह सकते हो कि एक टेबल में डेटा आने के बाद उसके ऊपर कुछ और आपको काम करना है, इन सारी चीजों को फ्रीक्वेंटली ऑटोमेटिकली करने के लिए आपको शेड्यूल करना पड़ता है वो प्रोसेस, तो उसके लिए मैं ईएसएस जॉब बनाता हूं। तो ईएसएस जॉब मैंने यहां समझ लिया क्यों जरूरत में पड़ती है, कि भाई कुछ शेड्यूल करना पड़ता है, ये भी मुझे समझ में आ गया। ईएसएस जॉब का नेविगेशन क्या है, ईएसएस जॉब का नेविगेशन मेरा फ्यूजन के अंदर क्या है? दोस्तों जितने भी मेरे फ्रेंड्स ये वीडियो देख रहे हैं वो क्लियरली ये समझ लें कि सेटअप एंड मेंटेनेंस सिंपली उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद आप सीधे एंटर हो जाओगे कहां पर दोस्तों, अपने FSM वाले पेज पर, फंक्शनल सेटअप मैनेजर वाले पेज पे, सिंपली सर्च वाले टैब पे, जो राइट हैंड साइड पे एक छोटा सा नोटपैड टाइप बना होता है, सिंपली उस पर जाना है, क्लिक करना है और फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? फाइंड करना है मैनेज इंटरप्राइज शेड्यूल जॉब्स। जब आप ये सर्च करोगे दोस्तों वहां पे आपको तीन चार ऑप्शन दिखाई देंगे, उनमें से फाइनेंस के यूजर्स को ये वाला ऑप्शंस यूज कर लेना है, जिन्होंने फाइनेंस एप्लीकेशन को यूज करें उनको ये वाला ऑप्शन यूज कर लेना है। और जब उस ऑप्शन को यूज करते हैं तो सिंपली दोस्तों ईएसएस से रिलेटेड ये तीन ऑप्शन कौन कौन से, जॉब डेफिनेशन, लिस्ट ऑफ वैल्यूज एंड जॉब सेट, ये तीन जो ऑप्शन है ये वहां पर आ जाते हैं। अब जॉब डेफिनेशन तो मुझे पता है कि ईएसएस सिंपली कंक्रेंट प्रोग्राम बनाना, मतलब एक ईएसएस जॉब को बनाना, सिंपली वहां पर वो रिपोर्ट भी हो सकती है अगर किसी पर्टिकुलर
फ्रीक्वेंसी पे मुझे वो चाहिए, तो वो रिपोर्ट भी हो सकती है, कोई प्रोसेस भी हो सकता है जिस प्रोसेस को मैंने डिजाइन कर लिया और यहां पर उसको एज ए ईएसएस जॉब रजिस्टर कर रहा हूं। ठीक है, वैल्यू सेट्स की क्या जरूरत होती है कि जो ईएसएस जॉब आप बना रहे हो दोस्तों, उसके लिए यहां पे एक पॉइंट आपको नोट करना चाहिए कि अगर कोई रिपोर्ट या कोई भी प्रोसेस जो मैं पहले से डिजाइन करके आ गया हूं, उसके अंदर जितने भी पैरामीटर्स हैं दोस्तों, वो मेरे ईएसएस जॉब में पिक नहीं होते। आपको सेपरेटली वो सारे के सारे पैरामीटर्स यहां पर बाय यूजिंग लिस्ट ऑफ वैल्यूज वाले जो मेरे ऑप्शन है, इनको यूज करके बनाने पड़ते हैं। सो थर्ड ऑप्शन आ जाता है दोस्तों जॉब सेट का। अब जॉब सेट बिल्कुल सिमिलर होता है मेरा उस तरीके से जिस तरीके से मेरा होता था रिक्वेस्ट सेट। अब रिक्वेस्ट सेट में हम क्या करते थे कि जितने भी कनकन प्रोग्राम मैंने बनाए हैं, उन कनकन प्रोग्राम को अगर मुझे किस सीक्वेंस में फायर करना है, एक के पेंडिंग स्टेज में फायर करना है, एक के सक्सेस होने पे करना है, या एक के किसी एरर होने पे फायर करना है, तो किसी भी स्टेज में किस तरीके से फायर करना है, ये सारी की सारी चीजें सीक्वेंशियली मैं अपने रिक्वेस्ट सेट के अंदर था। तो रिक्वेस्ट सेट जैसी चीज को डिजाइन करने के लिए जो जॉब सेट्स मैंने ऊपर डिफाइन किए हैं, उन जॉब सेट्स को मैं किसी पर्टिकुलर सीक्वेंस में, किसी पर्टिकुलर स्टेटस में, किसी भी तरीके से कॉल करा सकता हूं एक सीक्वेंस के अंदर, तो उसके लिए मैं बनाता हूं जॉब सेट्स। तो ईएसएस जॉब क्या होता है, कहां पे उसका नेविगेशन होता है, क्यों यूज में आता है, सारी चीजें हमने डिस्कस कर लिए। दोस्तों एक बार लैब की तरफ चलते हैं, ईएसएस जॉब को और बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। यहां पर बस पॉइंट यही ध्यान रखना है कि कंकरेंट प्रोग्राम ईबीएस के अंदर हर चीज के लिए मुझे कंकरेंट प्रोग्राम बनाना पड़ता था। क्यों? उस कंकरेंट प्रोग्राम को मैं किसी पर्टिकुलर रेस्पॉन्सिबिलिटी में लगा करके अपने यूजर को असाइन करता था। क्लियर? क्योंकि यूजर के पास रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, बट यहां पर रोल्स होते हैं, ऐसा कुछ होता ही नहीं है। तो अगर कोई रिपोर्ट है तो रिपोर्ट में ईएल एक्सप्रेशन के थ्रू अपने यूजर को दे सकता हूं या रिस्ट्रिक्ट कर सकता हूं, लेकिन अगर कोई रिपोर्ट किसी फ्रीक्वेंसी पे शेड्यूल करनी है ऑटोमेटिकली, देन हम उसके लिए ईएसएस जॉब, उस रिपोर्ट को एज ए ईएसएस जॉब रजिस्टर करेंगे। अदरवाइज प्रोसेसेस के लिए तो हम ईएसएस जॉब रजिस्टर करते ही हैं, क्योंकि प्रोसेस मेरे सिस्टम में, मेरे बिजनेस में कुछ ना कुछ ऑटोमेटिकली करते हैं, और ऑटोमेटिकली किसी भी बिजनेस में, किसी भी प्रोसेस में करवाने के लिए उनको शेड्यूल करना मैंडेटरी होता है किसी फ्रीक्वेंसी पे। तो शेड्यूल की बात जब आ गई तो डेफिनेटली वो ईएसएस जॉब की तरीके से रजिस्टर होगा ही होगा। सो दोस्तों एक बार लैब की तरफ चलते हैं, लैब में इजीली अंडरस्टैंड करते हैं कि किस तरीके से ये बनती है, किस तरीके से रजिस्टर होती है, कैसे लिस्ट ऑफ वैल्यूज बनते हैं, कैसे जॉब सेट्स बनते हैं, सारी चीजों का डिस्कशन अपनी लैब में करेंगे। दोस्तों कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया हो, आपको अच्छा लगा हो, आपकी नॉलेज इसने थोड़ी बहुत बढ़ाई हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और लैब सेशन को देख करके दोस्तों अपनी नॉलेज को जरूर बढ़ाइएगा। फिर से मुलाकात होगी एक नए वीडियो में एक नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू सो मच।